मध्य प्रदेश का जिला सतना और सरकारों के स्मार्ट शहर, क्या वाकई ये वादे स्मार्ट हैं? इसका नमूना हमारे सहयोगी जय क्रांति को शनिवार की रात 11:50 पर सतना जनपद के वार्ड क्रमांक 30 में देखने को मिला। यहां पतेरी से महदेवा जाने वाली सड़क पर बरसात के माहौल में एक पेड़ गिरा मिला, जिसमें विद्युत करंट भी फैला हुआ था। यहाँ नजदीक की निवासी सरोज चौधरी ने बताया कि हमने हेल्पलाइन में 10 बार फोन लगाया, लेकिन नगर निगम के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। कहते हैं सतना जिला स्मार्ट सिटी है, लेकिन वादे और इरादे इसके अलावा सुविधाएं स्मार्ट नहीं हैं। आइए देखते हैं उस रात की कहानी संवाददाता जय क्रांति के साथ। मैं सतना जिले से वार्ड क्रमांक 30 सतना जिले से जय क्रांति चौधरी की रिपोर्ट। मैं ये दिखाना चाहता हूँ भारी बारिश में ऐसा पेड़ गिरा हुआ है। सामने दिखाइए ये पेड़ पूरा हर कारण दिखाइए। ये रोड में पूरा पेड़ गिरा हुआ है। थोड़ा दिखा पेड़ तरफ मारिए। ये पेड़ पूरा गिरा हुआ है और जो रोड जाती है ये पतेरी महदेवा के बीच में ही रोड जाती है। जो निवासी हैं थोड़ा और दिखाइए पेड़ तरफ और नीचे जाइए, है ना। हाँ पूरा दिखाइए है ना, ऊपर तक है ना, पूरा जाम है ना, ये पूरा जाम है। और मैं अपने गिरा है। जी हाँ चलिए वहाँ दिखाइए है ना। ये कितने बजे से गिरा हुआ है सर? 5 बजे से गिरा है। 5 बजे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, हम 10 बार कंप्लेन किए हैं। दो नंबर किए हैं तो कौन उठाया था सर? उठाए हैं। कौन उठाया था? हमको नंबर चाहिए तो सब हम दिए हैं। बोले कि हम ये बोले कि आप ये ऐसा करिए कि नहीं आप गाड़ी आती बनाने के लिए तो वहाँ से 30 नंबर वार्ड से लाइट कटवा दीजिए, तो कोई नहीं कटवाया, ना सुनाई हुई कुछ। अच्छा तो अभी ये बारिश कितने बजे से हो रही थी? बारिश तो पूरा दिन आप पानी गिरा है। अच्छा तो ये बताइए अभी तक कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आया। से गाड़ी आई हाँ। ना कोई आया, अब पूरे हर करंट फैला है। अच्छा जी आपका नाम? नाम मेरा सरोज चौधरी जी। वार्ड क्रमांक 30 महदेवा जिला सतना। आपकी यही निवासी हैं तो बताइए देख सकते हैं आप एक बार और दिखाइए थोड़ा सा, है ना। ये देख सकते हैं ये पूरा पेड़ गिरा हुआ है। रोड यही मार्ग है जो अपना पतेरी और महदेवा के बीच में है। ये आगे तक लाइट भी दिखाता हूँ सामने। हाँ, देख लीजिए। बाकी कुछ भी अभी कोई प्रशासन मतलब कि नहीं आया है, कुछ नहीं सुनाई ना कुछ कार्रवाई है ना, कोई नगर निगम से गाड़ी आई ना कहीं से आई। सर अच्छा। बोले हम 5 मिनट में करते हैं, 2 मिनट में करते हैं, 3 मिनट में करते हैं, कहीं अच्छा। कुछ नहीं हुआ जी। मतलब कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बहुत सी पिछले साल की भी कंप्लेंट पड़ी है। मेरे यहाँ पुलिया है जो अच्छा, तो पुलिया का भी पानी बंद है, तो पुलिया दिखा सकते हैं? पुलिया दिखा सकते हैं? हाँ पुलिया दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है आगे देखते हैं हम। पुलिया जो है इनका जो कहना है घर में पानी भरा है, इनका जो कहना है जो पुलिया अभी तक आज तक मतलब कोई भी नहीं खुला है, जो पानी का जो पानी को रवास जाता है यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, उनके घर में पानी भी चला जाता है। अरे मेरे बच्चे लोग डूब भी रहे हैं, पार्षद आया, नंदू जी आए, सब गांव के देखे हैं, कुछ भी नहीं कुछ। चलिए ठीक है वो चीज दिखा दीजिए। जैसे कि जो रोड पे जो पेड़ गिरा है, लेकिन रोड यहाँ भी कटी है, घर ये घर है सामने। अब लाइट के कारण नहीं दिख रहा है उस समय, लेकिन अभी देख सकते हैं आप कि रोड लाइट ये गिरी हुई, करंट गिरी हुआ है, ये देखिए है ना। और ये सामने गेट है, थोड़ा टॉर्च दिखाओ और थोड़ा टॉर्च दिखाइए। करंट फैला हुआ, ये करंट फैला हुआ है, लेकिन अभी आदमी है, शासन प्रशासन कॉल किए हैं वो, मैं सब बताई हूँ, लेकिन कुछ भी अभी नहीं आया। गाय भी है, भैंस भी है, आदमी है, निकल सका थे। चलिए ठीक है। ये किसी के घर के पास है, सामने की लाइट एकदम से देख सकते हैं आप कि करंट फैला हुआ है, लेकिन अभी किसी प्रकार से शासन की तरफ से कोई लाभ नहीं है, कोई नहीं है कुछ। ये नगर निगम तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है, ये आप बता सकती हैं? हाँ सर ये बताएं, पिछले साल मेरी रिपोर्ट पड़ी थी तो पुलिया तो नहीं खुली है, इतना पानी भरा मेरे घर के आगे पीछे, मेरा पूरा मकान डूबा, तो क्या करूँ अब मैं सर बताइए।
नहीं तो आपने नगर निगम में कितनी बार रिपोर्ट की है? वहाँ हेल्पलाइन में की हूँ। हेल्पलाइन और थाना में थाना कोई शिकायत कुछ नहीं की हूँ, हेल्पलाइन में की हूँ। वहाँ से नगर निगम वाले सरकार साहब लोग आए, बोले अपना रिपोर्ट कटवा लो। वहाँ से भी मेरा हेल्पलाइन से भी फोन आया कि अपने रिपोर्ट ऑफिस ले लो, लेकिन मैं नहीं ली हूँ। इसलिए नहीं ली कि पूरे हाथ पानी भरा है, अब भर जाएगा। मेरे बच्चे लोग पढ़ते हैं, डूब डूब के निकलते तो क्या होगा। नहीं, ये बात तो सही आप बोली हैं, इस तरह का प्रभाव नहीं बढ़ रहा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से पुल है ये, और पुल से ये पानी का पूरा सिस्टम नहीं जा रहा है। और इस तरफ आग दिखाता हूँ मैं, यहाँ से पूरा पैक, और यहाँ से पूरा ये पैक है, देख सकते हैं आप, खोल नहीं सकते। वहाँ से पूरा प्रभाव नहीं आ रहा पानी का इस तरफ, इसीलिए कौन जिम्मेदार है? अब क्या शासन है? शासन अच्छा, कुछ नहीं कर रही। हाँ। बोले हो जाएगा, ठेका हो गया है, नाली बनेगी, सब कुछ होगा। ये पेड़ मेरे महुआ के पेड़ है, बिजली गिर सकती अच्छा, है मेरे घर भी गिर सकता है। दिखाइए पेड़, दिखाइए थोड़ा सा। ये घर के सामने है, अब कौन जवाबदारी लेगा? गाज गिरने गिरती है, मर जाएं तब जाएं, कौन जवाबदारी लेगा? क्या है कि मेरे घर के सामने है तो गिर जाएगा पेड़, बिजली इतनी गिरती है, गाज गिरती है तो मर जाएंगे तो क्या होगा। चलिए हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि शासन प्रशासन कुछ करे। ये वार्ड क्रमांक 30 है, चौधरी हैं सर, तो आते हैं तो कुछ नहीं करते, बोलते चमाल लोग तो हैं तो क्या करेंगे जी, सब यही तो है। ये स्मार्ट सिटी, इसमें स्मार्ट सिटी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो ऐसा नहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी है। अब जो यहाँ पे निवासी हैं, अब बज रहा है गेरा, सारे आते हैं तो बोलते ही बन जाएगा, अब गेरा बज रहा है। आप देख सकते हैं किस हालत में हमने ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पड़े मर जाएं। मैं सर से बोली हूँ जी, कंप्लेन वाले सर से बोली हूँ, वहाँ जो नंबर उसमें से बिजली वाले। अब आप देख सकते हैं कितने लोग, कितने प्रभाव। अब मेरे पड़ोसी भी करें, सिंकू भी करा है जी, सुरेंद्र द्विवेदी की अपने फोन से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई रहेगी तो हम ये तो वीडियो बना के शासन में पूरे वीडियो वायरल करेंगे, अपने चैनल में भेजेंगे। मैं दस्तर 24 से बताओ, देख लीजिए मेरे घर के सामने देख लीजिए जी। मेरे बच्चे लोग अंधेरे में सांप काट ले, कुछ भी काट ले, तो कोई है जवाबदारी लेने वाला? अब इसकी तो जवाबदारी तो, अब तो पूरे हर किरण फैला, बताओ कोई आदमी मर जाएगा। मैं वहाँ सर से बोली हूँ, सर जब मर जाएंगे जब आएंगे, जब एकदम फड़फड़ा जाएंगे जब आएंगे, अब हो गए। चलिए मैं अभी थोड़ा सा विराम लेता हूँ, बहुत आंधी तूफान चल रहा है, पानी गिरने की बहुत संभावना है, बहुत तूफान चल रही है, महुआ का पेड़ भी है, इतनी दिक्कत आ रही है कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कहाँ कहें, किससे कहें, मर जाएं। चलिए ठीक है, मैं सतना जिले से जय क्रांति चौधरी रिपोर्ट।